Hi guys, I'm Dr. Indu Balani and I'm back with some tips on hair care during this lockdown. So, आप स्किन केयर टिप्स तो फॉलो कर ही रहे होंगे, अब हेयर पे आते हैं. हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि डाइटरी डेफिशिएंसीज हो गए, जेनेटिक, हार्मोनल एंड देन स्ट्रेस, कीमोथेरेपी, मेडिसिन. बट कुछ जो चीज़ें हम कॉमनली कर सकते हैं इन सब को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपना हार्मोनल लेवल भी ठीक करने के लिए, स्ट्रेस को भी कम करने के लिए, और जो कुछ टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं अपने हेयर को मोर शाइनी एंड लस्ट्रस बनाने के लिए, वो मैं बताती हूँ आप. तीन चीज़ें जो आप कर सकते हैं इस लॉकडाउन में. फर्स्ट इज डाइट. डाइट तो आप ऑलरेडी अच्छी ले ही रहे होंगे, क्योंकि घर का बना खाना खा रहे हैं, अपने इम्यूनिटी बूस्टिंग पे वर्क कर रहे हैं. कुछ एडिशनल जो हेयर पे आपकी काम करेगा इज वन इज मुनक्का. 5 मुनक्का आप जो बड़ा वाला किशमिश होता है आप रात को भिगा कर पानी में रख लीजिए, एंड मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक उसको आप पानी के साथ मुनक्का भी ले लीजिए. दैट विल हेल्प अ लॉट टू स्टिमुलेट योर हेयर ग्रोथ ऑल्सो, क्योंकि उसमें बहुत सारे वाइटमिन होते हैं, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. देन सेकेंड इज फ्लैक्स सीड इज वेरी गुड फॉर हेयर. तो फ्लैक्स सीड्स या तो अलसी के बीज जो होते हैं वो आप या तो ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर उसका पाउडर बना के भून कर उसको पाउडर बना के पीस के रख लीजिए, एंड अपने फूड में, दाल में, दही में, कुछ में भी एक एक चम्मच डाल के खा सकते हैं. देन आंवला, वाइटमिन सी वगैरह तो आप ले ही रहे होंगे ऑलरेडी, बिकॉज इट बूस्ट योर इम्यूनिटी ऑल्सो एंड विल हेल्प इन योर हेयर ऑल्सो. दूसरी चीज़, एक्सरसाइज भी आप कर ही रहे हैं. एक्सरसाइज से भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और आपकी ओवरऑल बॉडी अच्छी होगी. बट कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेज जो आप हेयर के लिए कर सकते हैं आर इन्वर्जन एक्सरसाइज. वॉट आर दीज इन्वर्जन एक्सरसाइज? तो योगा में आपने सुना होगा शीर्षासन होता है, तो जिसमें आपको सर नीचे करना होता है और पैर ऊपर होता है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई नो बहुत से लोग ये नहीं कर पाएंगे, बट देर आर सर्टन ईजियर फॉर्म्स ऑफ दिस आसन. तो इन्वर्जन आसन कई ईजी टाइप के भी होते हैं जो आप गूगल करके देख सकते हैं. उनमें से एक ऐसा है जैसे आप नील डाउन करके बैठे और पीछे सिर करके और कैमल पोज में हील को पकड़ना होता है. तो ये सब अगर आप होल्ड किए रहे हैं 3 to 4 minutes आफ्टर योर एक्सरसाइज, यू आर डूइंग अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो, तो ये आपको हेयर में भी बेनिफिट करेगा. द थर्ड थिंग विच यू कैन डू इज एट द लोकल लेवल. सो मसाजेस, ऑयल मसाजेस बिफोर योर शैम्पू वुड रियली सर्व यू इन दिस लॉकडाउन. सो इसके लिए आप थोड़ा सा वॉर्म ऑयल लेकर और अपने सिर पर हल्के अपने हाथों से, अपने उंगलियों के फिंगर टिप्स से धीरे धीरे करके पूरे सर पे अच्छे से मसाज करिए. गिव 10 minutes टू दिस प्रेशर पॉइंट एंड देन वॉश योर हेयर. और प्रेशर पॉइंट्स में भी आपको खास ध्यान देना है कि कुछ जो सेंटर में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो आपके हेयर ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. इसीलिए जब आप पूरे सर पे मसाज कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देकर और अच्छे से पूरा सेंट्रल पार्ट अप टू द नेक अच्छे से प्रेस करिए विथ योर फिंगर टिप्स. प्लस डोंट लीव द नेक, क्योंकि नेक को तो आप रोज भी नहाते समय इस तरह से ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो वो स्ट्रेस रिलीविंग भी होता है. प्लस द एक्यूप्रेशर गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, एंड जब स्ट्रेस रिलीव होगा और आप अच्छा फील करेंगे तो आपका हेयर फॉल भी कम होगा. डोंट लीव आउट योर फोरहेड ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेस रिलीविंग. प्लस इट बेनिफिट्स योर हेयर मसाज एंड योर हेयर का टेक्स्चर एंड एवरीथिंग वुड ऑल्सो बिकम बेटर बिकॉज ऑफ द ऑयल मसाज. और ऑयल मसाज अगर आप कहेंगे कि मैं तो 1-2 बार शैम्पू कर रहे हैं हफ्ते में, तो 1-2 बार से बेनिफिट होगा. तो आप 1-2 बार ऑयल से करिए और बाकी टाइम आप रोज नहाने से पहले ऐसे ही आप फिंगर टिप्स को अपने सिर पर लेकर अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके अपना थोड़ा सा ब्लड सप्लाई स्कैल्प का बढ़ा सकते हैं. सो दैट मीन्स यू आर डिवोटिंग टाइम टू योर सेल्फ, यू आर गिविंग योर हेयर एडिक्वेट टाइम, एडिक्वेट केयर, एंड देन वो आपको बेनिफिट करेगा डेली. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Peace out.